हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरिस। स्वागत है आप सबका अपने चैनल आरिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों, क्लास टेन भारती भवन का बुक है जीव विज्ञान, उसका एक चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, नियंत्रण और समन्वय। और नियंत्रण और समन्वय का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। ठीक है, यानी जो पौधा होता है उसमें जो शारीरिक कार्य होता है उनका नियंत्रण तो होता है, लेकिन किस विधि से होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, अति लघु है तो अगर एक लाइन में भी दे दिए तो बहुत है। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। और हाँ, अगर आप दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 20 तक, या फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से 14 तक, या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कुछ भी चाहते हैं, आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और हाँ, अगर आप किसी भी बुक के किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, आपको अगर डाउट हो सिंपली आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका आंसर ला देंगे। जी हाँ दोस्त, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको 6 नंबर क्वेश्चन डाउट हुआ, सिंपली आप आके कमेंट कर दीजिए कोई भी वीडियो पे। ठीक है, जरूरी नहीं ये वीडियो पे, कोई भी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, हम उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण किस विधि से होता है। ठीक है, तो दोस्तों पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण पादप हार्मोन विधि से होता है। जी हाँ, आप लिख सकते हैं पौधों में शारीरिक कार्यों का नियंत्रण पादप हार्मोन विधि से होता है, या फिर फाइटो हार्मोन विधि से भी लिख सकते हैं। ठीक है, हार्मोन की वजह से होता है तो पौधे है तो पादप हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, बस यही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।